एटा में आज तक के समय में जनता को सबसे बड़ा दुख दर्द देने वाला गुनहगार अपने घर में बड़े चैन और आराम की नींद ले रहा है, जबकि एटा की जनता पहली मानसूनी बारिश के कारण अपने अपने घरों में घुसे गंदे नाले के पानी व कीचड़ को निकाल कर इन गुनहगारों को कोस रही है। एटा की जनता का सुख चैन छीनने वालों को ये जनता कभी माफ नहीं करेगी। सोचते हैं कि काश ये सीवर लाइन का प्रोजेक्ट ना आता तो कईयों को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ता, तो वहीं जनता जनार्दन को आए दिन नगर पालिका का नाम जहन में आते ही घोटाले की फुलझड़ियाँ लग जाती हैं। परंतु अपराधी कौन है, उसको आखिर सजा कौन देगा, जिसके कारण आज एटा शहर के सैकड़ों लोगों की सांसें अटकी हैं कि ना जाने कब कहाँ किस गली गली खुदी पड़ी सीवर लाइन के कारण अपनी जान से हाथ धोना ना पड़ जाए। सही मायने में अपराधी को उसके अपराध की सजा कैसे मिलेगी, जिसकी वजह से गली गलियारों में भी निकलना मतलब मौत को दावत देना हो गया है। हरिकेश बघेल की रिपोर्ट।